हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट, जहां पर हम बात करेंगे इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के हिस्टोरिक व्यूवरशिप के बारे में, और इसके अलावा बात करने वाले TLC के पेपर व्यू में सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस के मैच को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, क्योंकि इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड लास्ट एपिसोड था TLC पे पर व्यू से पहले। स्टिल यहाँ पर WWE ने काफ़ी बड़ी चीज़ें प्लान तो की, लेकिन उसका कुछ मैं कह सकता हूँ बड़ा फायदा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर रॉ की इस साल की एक हिस्टोरिक व्यूवरशिप आ चुकी है, जो कि पिछली लो व्यूवरशिप भी कम व्यूवरशिप है, क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी पहले घंटे की वो हुई थी करीबन 2.347 मिलियन व्यूवर्स के साथ। दूसरे घंटे की बात करें वहाँ पर आए थे 2.186 मिलियन व्यूवर्स, और तीसरे एंड फाइनल घंटे की जो व्यूवरशिप थी वो थी 2.48 मिलियन व्यूवर्स। और पिछले हफ्ते की बात कर ले तो उससे करीबन 92,000 व्यूवर्स कम है पिछले हफ्ते के मुकाबले, और यहाँ पर जो एवरेज व्यूवरशिप आई है वो आई है 2.29 मिलियन व्यूवर्स। तो कहीं ना कहीं लगातार ये रिकॉर्ड ब्रेक होते जा रहे हैं WWE के रॉ के हिस्टोरिक व्यूवरशिप के। तो कहीं ना कहीं WWE को एक बार फिर से प्लान्स में चेंजेस करने की जरूरत है, सुपर स्टार्स की रिटर्न कराने की जरूरत है, NXT के डेब्यू कराने की जरूरत है, साथ ही साथ में ड्राफ्ट करने की भी जरूरत भी है, ताकि स्मैकडाउन लाइव एंड मंडे नाइट रॉ में काफ़ी अच्छे अच्छे सुपर स्टार आ सके। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूं देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम में किस तरह से WWE चीजों को बदलती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है TLC के पेपर व्यू के बारे में, साथ ही साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि TLC के पेपर व्यू में होने वाला है। और हम सभी जानते हैं मैच होने वाला है द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ रॉलिंस वर्सेस लुनाटिक फ्रेंच डीन एम्ब्रोस के बीच, जहां पर ये दोनों सुपरस्टार्स हमें एक बड़े ब्रूटल मैच में कंपीट करते हुए नजर आने वाले हैं। और वैसे ही TLC मैच होने वाला है, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी इस मैच में होने वाले, लेकिन यहां पर पहले जो बैटिंग ऑर्डर थे वो फेवर कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस इस मैच में जीतेंगे और सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोस को हरा के अपने टाइटल को रिटेन करने वाले, लेकिन रिसेंटली कुछ बड़े बैटिंग ऑर्डर सामने निकल के आ रहे हैं और चेंज बैटिंग ऑर्डर निकल के सामने आ रहे हैं, जिनका मानना यह है कि एक बड़ा टाइटल चेंज हमें TLC के पेपर व्यू में जरूर दिखाई देने वाला है, और यहां पर डीन एम्ब्रोस बनने वाले हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और यहां पर जो बैटिंग ऑर्डर निकल के सामने आए हैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज है, क्योंकि पहले यहां पर जो बैटिंग ऑर्डर थे जैसे मैंने आपको बताया वो फेवर कर रहे थे सेथ को, लेकिन कहीं ना कहीं अब बैटिंग ऑर्डर्स डीन एम्ब्रोस को फेवर कर रहे हैं, जो कि डीन एम्ब्रोस के फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में पॉसिबली क्या हो सकता है कि यहां पर हमें डीन एम्ब्रोस वॉकआउट होते हैं नजर आए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ, और वो हराते हुए हमें नजर आए सेथ रॉलिंस को इस बड़े मैच में। तो स्टिल अब इसके बाद काफी मैच को इंटरेस्टिंग देखना होगा, क्या सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को रिटेन कर पाएंगे या फिर पहले मैच में हमें डीन एम्ब्रोस हराते हुए नजर आने वाले हैं सेथ रॉलिंस को। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं अगर डीन एम्ब्रोस जीत जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।